बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज की हम रेसिपी जो आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो है दाल के पराठे। जो हम दाल के साथ चावल बनाते हैं और हमारे पास दाल बच जाती है तो उसे वेस्ट करने से बेहतर है हम आज उसे यूटिलाइज़ करें और दाल के पराठे बनाएं। पहले हम 2 कप आटा लेंगे, उसके अंदर हम ये देखें मूँग की दाल बनाते हैं वो डाल देंगे, शामिल कर दिया। उसके बाद 2 चम्मच पुदीना, 2 चम्मच बारीक कटा धनिया, 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच कुटी लाल मिर्च। ये देखिए, इसे अच्छे तरीके से हम गूंद लेंगे कि आटा और दाल अच्छे से मिक्स हो जाए। इस तरीके से हमने दाल और आटे को मिला के हमने आटा गूंद लेना है। हम इस तरीके से आटे के पेड़े बना लेंगे और उसके बाद इसे बेलेंगे। बेलकर ये देखिए, इस तरीके से हमने पराठे बनाने हैं, हम घुमाते जाएंगे इसे। जी, मूंग की दाल का पराठा तैयार है हमारे पास। आज की हम मूंग की दाल के पराठों के साथ स्पेशल चटनी बनाने जा रहे हैं। उसके लिए हम पहले लहसुन को अच्छे से चॉप कर लेंगे। ये देखिए, 1 प्याली हमने लहसुन को अच्छे से बारीक कूट लिया है, वो हम ऑयल में शामिल करेंगे। जब हमारे पास लहसुन लाइट ब्राउन होना शुरू हो जाएगा तो हम इस स्टेज पे हसबे जायका नमक शामिल करेंगे और साथ ही पिसी लाल मिर्च 1 चम्मच शामिल करेंगे। ये हमारी फाइनल चटनी तैयार हो गई है। अब हमने चूल्हा बंद कर देना है और ढक्कन ढक्के नहीं रखना, वरना ये नरम पड़ जाएगी। ढक्कन खुला ही छोड़ना है इसका, ताकि इसकी भाप सारी निकल जाए और उसके बाद ये खस्ता हो जाएगी। लीजिए, मज़ेदार सा प्लेटर हमारे पास तैयार है सर्विंग के लिए। गर्मा गर्म चटनी के साथ, पराठों के साथ खाइए और मज़े उड़ाइए। मेरी रेसिपीज़ अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी बहुत सारी दुआओं में मुझे याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।